मैं कोई देखो नेताओं की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि नेताओं की क्या बात करें भाई साहब, इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी। और तालियां मेरे को आपकी अब चाहिए, आपकी इच्छा हो तो बजाना, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं मत बजाना, मैं नहीं कहूंगा आपसे कि दोनों हाथ ऊपर उठा के बजाओ और टांगे ऊपर उठा, मतलब क्या मतलब, ताली तो बजानी है यार। आओ सर आओ। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ जोड़े से ही आ रहे हैं तो आपके क्या दिक्कत है यार। ये आगरा है, ताजमहल का शहर है, प्यार की धरती है, आ सकते हैं जोड़े से आदमी, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी, अब तो आदमी आदमी के साथ जोड़े से रह सकता है। भाई आपको क्या टेंशन इस बात में, इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता, ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग मत करो भाई साहब, या आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करोगे कल अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, परसों वो मेरे को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, अब मैं किस किस का रिप्लाई करूं, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास, मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूं। इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुनता वो अरविंद केजरीवाल। तो अपने को कोई मतलब नहीं है नेताओं से भाई साहब, नेता कुछ भी कहे। अभी कोरोना की वैक्सीन आई, हिंदुस्तान ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, तो कोरोना की वैक्सीन बनाते ही अखिलेश यादव ने कहा, आपके यूपी वाले ने बोले नहीं लगाऊंगा, वो मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये कह रहे हैं बोले न लगाऊंगा न लगाने दूंगा। अच्छा एक नेताजी तो और आगे निकल गए, बोले यार ये वैक्सीन मत लगाओ, ये नपुंसक भी बना सकती है। अरे मैंने कहा यार तुम तुम्हारी शारीरिक कमजोरी का ठीकरा भी मोदी के माथे पे काई को फोड़ रहे हो यार। ऐसे ऐसे आगे भाई साहब, एक नेता ने तो ये कह दिया, बोले ये वैक्सीन सबसे पहले नरेंद्र मोदी के लगा के ट्राई करनी चाहिए, इस हिसाब से तो फिर पहली नसबंदी राजीव गांधी की करनी चाहिए थी, अगर उस समय राजीव गांधी की नसबंदी कर दी होती तो ये राहुल गांधी जैसे देवता का अवतार ही नहीं होता, ये इतनी माथा फोड़ी होती ही नहीं भाई साहब, ये क्यों हो रही है। नेताओं की कोई बात नहीं है, कोई फालतू माथा फोड़ी से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं, मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो, वो बोला किसमें लेके जाएगा, मैंने कहा यार ये थैला लेके आया ना इसमें लेके जाऊंगा, उसने थैले में 5 किलो चावल डाल दिए, मैंने कहा एक काम करो भाई साहब 5 किलो बाजरा भी दो, वो बोला ये किसमें लेके जाएगा, अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया ना इसी में लेके जाऊंगा, बोले इसी में, हाँ मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे मेरी लुगाई फिर ये बीणती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए, मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे, वो बोला ये किस में लेके जाएगा, अरे मैंने कहा तू तो तीनों एक में मिक्स कर दे, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने तीनों एक में ही डाल दिए भाई साहब। अब मैं जैसे ही वो थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट, मैंने कहा पेमेंट अगली साल, बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता, मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल तू पकड़ अपने को, किस बात की टेंशन है यार, दिमाग से काम करना चाहिए भाई साहब। आप बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, बोले वो माँ की बात करी आपने, बोले माँ की सेवा करनी चाहिए, मैं सबसे कहता हूँ सबको माँ की सेवा करनी चाहिए, बैठो भाई आप भी करा करो, रोज सुबह शाम माँ के 5-10 मिनट पेड़ दबाने चाहिए, और माँ अगर आपके बच्चों की हो तो और ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा क्या है तुम्हारे फायदा हो रहा है इसलिए अच्छा, आप ढंग से देखो इनको, ये इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है।
आदमी को मजे में रहना चाहिए भाई साहब। मजा क्या है, मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। ये राहुल गांधी, ये सलमान खान, ये जवानी में नहीं ले पा रहे। और ये आशाराम बाबा ने, ये ढेरे वाले बाबा ने, इन्होंने बुढ़ापे में ले रखे हैं। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करता भाई साहब जिससे दिमाग पे लोड पड़े अपने को। क्या मतलब है, देश में ऐसे ही बहुत सारी माथापोड़ी चल रही है। अब ये हमारे देश ने कोरोना की वैक्सीन बढ़ाई, कोरोना की वैक्सीन बढ़ाई, तो भाई साहब क्या है, कोरोना की वैक्सीन अलग अलग देशों में सप्लाई कर रहे, डेनमार्क में, फिलीपींस में। आप भी लेने जा रहे हो क्या? अब मैं कहता हूं मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी ये बाहर मत भेजो, पहले जितने भी इंडियन है सबके लगाओ वैक्सीन। और जो ये अमेरिका वमरीका वाले हैं, इसमें तो क्या है, इंजेक्शन में देसी वो बूमर का क्वार्टर आता है वो डाल दो और लगा दो अंग्रेजों के। घूमर के साथ झूमर भी होता रहेगा। और जब ये अंग्रेज हमको 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में 8 रुपए की हवा भर के बेच सकते हैं, तो हम इनको देसी क्वार्टर क्यों नहीं बेच सकते? सही बात क्या भाई साहब, दिमाग से काम करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मोदी जी हमारे बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री। मोदी जी आजकल जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को सामने बिठा देते हैं। फिर सामने बिठा के कहते हैं, भाइयों और बहनों, आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से। और भाई और बहनों, ये दोनों जहां कहीं भी है तो मेरी वजह से। अच्छा, ये कांग्रेस वाले तो भाई साहब इनका जवाब भी नहीं है। जब देश के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी बने, तो ये अटल जी कांग्रेस वालों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। फिर अडवाणी जी आए तो इनको अटल जी बहुत अच्छे लगने लग गए। बोले कि प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी जैसा होना चाहिए, नेता तो अटल जी जैसा होना चाहिए। फिर अडवाणी जी पीछे हटे, मोदी जी आ गए 56 इंच की छाती वाले, तो इनको अडवाणी जी अच्छे लगने लग गए। बोले यार इनसे तो अडवाणी जी अच्छे थे, ये तो बेकार है। यही कह रहे ना 10 साल से। और मैं कह रहा हूं भाई साहब, एक बार आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना के देख लो, ये नरेंद्र मोदी इन कांग्रेस वालों को देवता नहीं लगने लग जाए। तो मेरी गारंटी